हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अमजरा घाटी हनुमान जी के मंदिर। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं हनुमान जी। तो गाइस, मौसम आज बहुत सुहाना है, तो चलिए हमने सोचा कि आज हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, जो कि अमजरा घाटी में स्थित है। चलिए आपको भी करवाते हैं श्री अमजरा घाटी के हनुमान जी के दर्शन। चलिए। ये देखिए, पहाड़ी इलाका है और वो दूर स्थित हनुमान जी का पवित्र मंदिर, जहाँ पर श्री बजरंगबली बप्पा जी विराजमान है। तो चलिए, हम लगभग पहुँच गए हैं हनुमान जी के अमजरा घाटी मंदिर। तो ये देखिए, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। और ये श्री श्री 108 श्री सिद्ध हनुमान जी अमजरा सरकार क्षेत्र धाम। ये देखिए, यहाँ पर कई दुकानें जहाँ पर आपको प्रसाद और प्रसाद से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि आप बब्बा जी को भेंट कर सकते हैं। चलिए। तो गाइस, हम आ चुके हैं अमजरा घाटी मंदिर और अब हम आपको दर्शन करवाएंगे बब्बा जी के। तो चलिए गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ पर शनिवार का दिन है, तो आज यहाँ पर बहुत से लोग दर्शन के लिए आए हैं। और ये देखिए, कई लोग और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये है मंदिर परिसर। और ये देखिए, कई झंडे कई घंटियाँ यहाँ पर बनी हैं। और ये देखिए, एक बड़ी सी गदा यहाँ पर रखी हुई है, जो कि हनुमान जी की है। ये देखिए गाइस, ये गदा पीतल की है। और देखिए, एक अद्भुत मंदिर जो कि अमझरा क्षेत्र में है। ये देखिए, कई घंटियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं, जो श्रद्धालु अपने मनसा पूर्ण होने पर बंधवा देते हैं। कई झंडे यहाँ पर हैं, जो श्रद्धालु अपने श्रद्धा अनुसार लाते हैं। ये देखिए, आज शनिवार का दिन है, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, आपको दर्शन करवाते हैं हमारे बब्बा जू अमझरा सरकार के। ये देखिए, ये है हमारे अमझरा सरकार बब्बा जू, दर्शन कीजिए। ये देखिए, श्रद्धालु काफ़ी आ रहे हैं, भक्तजन जो दर्शन के लिए आ रहे हैं। भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है, तो अब हम दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दर्शन कीजिए। और ये यहाँ पर श्रद्धालु, ये देखिए, बंदर यहाँ पर उनके हाथ से खा रहे हैं। ये हमारे मित्र प्रयास करते हुए आर्यन कुशवाहा। और गाइस, आप जानते हैं हनुमान जी के मंदिर में बंदर का होना तो एक आम बात है। ये देखिए, यहाँ पर बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, परंतु ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन आपको भी अपनी मर्यादा अपनी सीमा में रहना चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। तो गाइस, हमने बब्बा जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं झरने की ओर। हमें यहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है, प्राकृतिक वाटरफॉल, जो कि देखने में बहुत सुंदर है। तो चलिए, हम भी बढ़ते हैं झरने की तरफ और आपको भी दिखाते हैं वाटरफॉल। तो चलिए गाइस, बढ़ते रहिए हमारे साथ, चलते हैं। तो गाइस, ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये उसी झरने का पानी है। और वो देखिए, दूर झरना दिखाई दे रहा है। और ये अभी हम झरने के नीचे हैं गाइस, तो अभी उतना अच्छे से आपको नहीं दिखेगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, आपको झरने का व्यू दिखता जाएगा। ये देखिए गाइस, झरने का पानी। और चलते हैं ऊंचाई पर, तो वहां से आपको दिखाते हैं झरने का और व्यू। चलिए गाइस, तो गाइस, अब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, जहां से हम आपको झरने का और अच्छा व्यू दिखाएंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि दर्शन करने और प्राकृतिक वाटरफॉल देखना, तो गाइस आइए और अमझरा सरकार के दर्शन कीजिए और
देखिए झरना जो कि प्राकृतिक है गाइस। ये जो शहरों में स्विमिंग पूल और वगैरह होते हैं वो कहाँ गाइस इतना इन्जॉयमेंट हमें दे पाते हैं। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं गाइस, इनको देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो ये देखिए गाइस, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं झरने का पानी बढ़ता जा रहा है, और ये देखिए पत्थरों के बीच से निकलता झरने का पानी। और चलिए गाइस हम और ऊंचाई पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं झरने का मनोरम दृश्य। चलिए देखिए गाइस, तो हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर, अच्छी खासी ऊंचाई पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए झरना कितना सुंदर नज़र आ रहा है, और अगर हम और ऊंचाई पर जाते हैं तो झरने का पानी और जंगली इलाका बढ़ जाएगा। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से इन्जॉय थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ी रीलें बनाएंगे, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। ये देखिए, और गाइस अब हम लोग लौट रहे हैं, झरना हमने देख लिया है और बब्बा जी के दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम लोग लौट कर जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा ही रहे थे कि यहाँ हम लोगों को पता चला कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर ज़मीन में से एक शिवलिंग बाहर निकला है। चलिए हम लोग भी दर्शन करते हैं शिवलिंग के और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि शाम का समय हो रहा है और बरसात का मौसम बन रहा है। तो चलिए गाइस जल्दी से आप करवाते हैं दर्शन और लौटते हैं घर को। चलिए गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस ये हैं वो महादेव जी की मूर्ति जो कि यहाँ पर ज़मीन में से मिली है, मतलब निकली है खुदाई के दौरान। ये मूर्ति यहाँ पर ज़मीन में से निकली है। तो गाइस आप भी दर्शन कीजिए महादेव जी के, और श्रद्धालु दूर दूर से इस मूर्ति के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो गाइस अब हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम लौटते हैं घर को। तो चलिए गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, और दर्शन करके और पहाड़ चढ़ के हम लोग बहुत थक चुके हैं, पसीने में सराबोर हो चुके हैं। तो गाइस आपको चलिए एक बार और करवाते हैं बब्बा जी के दर्शन, जिससे कि आप दर्शन कर सकें, और फिर हम लोग निकलते हैं घर को। ये देखिए गाइस बहुत पसीना आ रहा है हम लोगों को। तो गाइस दर्शन कीजिए अमझरा सरकार के और फिर हम निकलते हैं अपने घर को। ये देखिए जय श्री अमझरा सरकार, शनिवार का पावन दिन है गाइस, और दर्शन कीजिए। और गाइस ये एक अद्भुत मंदिर है जहाँ पर अंजनी माता और हनुमान जी दोनों विराजमान हैं। ये देखिए अंजनी माता हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए यहाँ मंदिर में ये मूर्ति है। अगर आप अमझरा सरकार आते हैं तो हनुमान जी के जस्ट बगल में ये मंदिर है, तो दर्शन ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो गाइस इस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए आप एक बार ज़रूर आएँ, जो कि मध्य प्रदेश के बीना से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। तो गाइस लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो गाइस एक बार ज़रूर आइए और दर्शन कीजिए हम जरा सरकार के। थैंक यू गाइस।